नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के कोटा जिले में सामुदायिक भवन और सड़क की सौगात, नदी पार इलाके में 13 वार्डों में 160 करोड़ के काम, 7 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन और सड़क का होगा निर्माण। शिलान्यास करते मंत्री कोटा ने नदी पार क्षेत्र में अब शहरी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। यह गुजर जमाने की बात हो गई कि नदी पार क्षेत्रों को गाँव के नाम से जानते थे। लगातार कांग्रेस शासनकाल के क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। फिलहाल नदी पार क्षेत्र कुल्हाड़ी में वार्ड 13 में 160 करोड़ के विकास कार्य गतिशील हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बात नदी पार क्षेत्रों को लोगों को संबोधित करते हुए बताया। मंत्री धारीवाल ने करीब 7 करोड़ की लागत से निर्माण किए जाने वाले सामुदायिक भवन एवं सड़कों का शिलान्यास किया। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से बीड़ के बालाजी बापू बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही छोटी पुलिया से सामुदायिक भवन तक सड़क निर्माण के कार्य का भी UDH मंत्री शांति धारीवाल ने शिलान्यास किया। मंत्री धारीवाल ने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि नदी पार क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वहीं चंबल रिवर फ्रंट से नदी पार क्षेत्र को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने भी UDH मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में चल रहे विकास कार्यों से शहर का जल्द नक्शा बदलने का दावा किया। UIT के विशेष अधिकारी RD मीणा ने कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कोटा में चल रहे विकास कार्यों में के बारे में जानकारी दी। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मिला के जो विकास के कामों की जहां से भी डिमांड आती है, अगर वो वाकई लोग हित के काम है, अगर उनसे जनता का हित होता है तो उनको लेने का प्रयत्न किया जाता है। ये जो सामुदायिक भवन यहाँ पर बनेगा, बाढ़ भीड़ के बराजी की तरफ चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनेगी, लोन बनेगा, लोन इतना बड़ा लोन होगा कि 2000 आदमी उसमें कम से कम भी आ जाएं, आराम से अपना कोई फंक्शन कर लें बाहर करना चाहें तो। सामुदायिक भवन बनेगा, सामुदायिक भवन भी 100 फुट बाई 60 फुट का बनेगा, 100 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा बनेगा। और इसी के साथ साथ इसकी अप्रोच जो है वो सीधी छोटी पुलिया पर जाकर के होगी। छोटी पुलिया से सीधी एक सड़क निकलेगी, वो सड़क आकर के सीधी सामुदायिक भवन तक आएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो इस सामुदायिक भवन का उपयोग करना चाहता है या बीड़ के बालाजी के दर्शन करना चाहता है, इस स्थान पर आना चाहता है, तो उसको इतना चक्कर काट करके जो है महाराणा प्रताप चौराहे से लेकर के बालिका के बाजार में होते हुए आने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सीधे के सीधे आप छोटी पुलिया से यहाँ आ सकते हो और यहाँ से सीधे छोटी पुलिया से जाकर पहुँच करके जो है कोटा उधर शहर में जा सकते हो। उस पर करीब करीब 4 करोड़ रुपया खर्च होगा उस सड़क पर, 4 करोड़ रुपया जिसका काम चालू होगा और दशहरे के पहले खत्म हो जाएगा उसका। 4 करोड़ रुपया तो उस पर खर्च होगा और 3 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। 3 के 3.5 करोड़ रुपया मानो बढ़ा दिया अपन ने, 2 करोड़ 94 लाख था ना, उसको बढ़ा दिया तो 3.5 करोड़ रुपया करीब करीब इस पर खर्च होगा आपके सामुदायिक भवन पे। तो 7 करोड़ रुपये की पूरी ये स्कीम है जो अब चालू होगी और दशहरे के आसपास सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हजारों आदमियों को जो कि नदी पार के लोग हैं, हजारों आदमियों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात ना कहता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो